और यहाँ से बहुजन समाज को सत्ता में लाने के लिए हमने जो है संकल्प लिया है। आलम क्या है आपके सामने? मुझे तो नहीं लगता कि इस ग्राउंड में कहीं जगह है, और लेकिन जहाँ से मैं आया हूँ पूरा जाम है, सैकड़ों की तादाद में बसें बाहर खड़ी हुई हैं, बारिश है, लेकिन नौजवानों का, बुजुर्गों का, माता बहनों का जोश देखने लायक है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश परिवर्तन मांग रहा है, हम लोग करें। क्या परिवर्तन आप हम अब जो सरकार है उसको हटाने के लिए विकल्प बन रहे हैं, जिनकी जिनकी सरकार है नहीं उनके बारे में क्या बात करें? तो आजाद समाज पार्टी खुद में विकल्प है, इसको नजरअंदाज कर ज्यादा दिन नहीं किया जा सकता। चुनाव दूर है, चुनाव डिक्लेयर होगा, सब चीजें बताई जाएंगे। बदलाव ये लाएंगे, जो जंगल आज उत्तर प्रदेश में अभी चल रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसानों को गन्ने के दाम नहीं मिल रहे हैं, तमाम तरह से हॉस्पिटलों में ना बेड है, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन की कमी को हो जो हमने देखा, एजुकेशन के सिस्टम खत्म हो गए हैं, और जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज चल रहा है उसका अंत जरूरी है, और आजाद समाज पार्टी उसके लिए विकल्प है। आप जहां तक देखेंगे, जहां तक मैं समझता हूं, जो कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह ना करे जिस आंदोलन के लिए, वो आंदोलन कोई नहीं रोक सकता। जैसे आजादी की लड़ाई यहां से धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी के नेतृत्व में और दीनाभाना वाल्मीकि जी के नेतृत्व में चली थी, ऐसे ही एक और बहुजन समाज की लड़ाई यहां चलेगी, और आप देखना उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी बड़ी ताकत बनेगी। ये रैली क्रांति धरा पे इसलिए रखी गई है कि मेरठ ये बताए कि मेरठ आजाद समाज पार्टी को, मेरठ से जो आवाज चली है उत्तर प्रदेश आजाद समाज पार्टी को जाता है। जितनी सरकार थी सब देख ली, इनके दिन नहीं बदले, इनका जीवन नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, और मैं अपनी बाकी बातें मैं अपने भाषण में जनता के बीच रखूंगा। अच्छा, ये राज्य सरकार की बात हो गई, केंद्र सरकार की बात करें, अगर कश्मीर में आ जाए तो नौजवान अभी शहीद हुए, आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं, उसमें से कुछ यूपी जब कमजोर सरकार होगी तो ऐसा ही होगा। 56 इंच कहने से कुछ नहीं होता, उसको दिखाना पड़ता है। मैं तो कह रहा हूँ आप गुर्जर रेजिमेंट बनवा दीजिए, आप चमार रेजिमेंट को बहाल करवा दीजिए, आप सैनिक कश्यप अहीर रेजिमेंट बनवा दीजिए, और आप देखिए आपको पता लग जाएगा इस देश के नौजवान जो है ना बहुजन समाज के, वो कुर्बानी देने के तैयार है। मैं तो ये भी कहता हूँ जियो लाके हमें तनख्वाह कम कर दो, मगर हम अपने देश की सुरक्षा करने के लिए तैयार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।